बार फिर कह रहा हूँ, यदात्मन निर्पिता चित्तम शांतम सत्वोपब्रह्मितम। जब हम भजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चित्त में सत्वगुण की वृद्धि होती है और वह शांत होकर आत्मा तक लग जाता है। वह सत्वगुण और वह शांत होकर आत्मा में लगता है, उस समय साधक को धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य की स्वयं प्राप्ति हो जाती है, ऐसा भगवान कृष्ण बोले। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति बहुत आनंद के साथ जीवन जीता है। आरंभ में थोड़ी कठिनाई आ सकती है, लेकिन बाद में उसके लिए बहुत आनंद ही आनंद है। उसे ऐश्वर्य स्वयं ही मिल जाते हैं जो व्यक्ति धार्मिक होता है, धर्म के साथ जीवन जीता है। उसे धरती के ऊपर के सभी स्वर्ग, स्वर्ग के ऐश्वर्य उसे अपने आप मिल जाते हैं। तब इंद्रियों के साथ इधर उधर भटने लगने वाला जो मन भी है वह एकाग्रचित हो जाता है। उद्धव, जिससे मेरी भक्ति हो बस वही धर्म है। कितनी अच्छी बात कही, जिससे मेरी भक्ति हो जाए बस उसी को तुम धर्म मान लीजिएगा। धर्मो मद भक्ति कृतः, कृष्ण कहते हैं कि जिस कार्य से मेरी भक्ति हो जाए यही धर्म की परिभाषा। प्राय समझ में आता नहीं है कि धर्म कहते किसको हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से बताया, जिन कर्मों के द्वारा मेरी भक्ति हो जाए बस उसी को ही तुम धर्म समझ लो। कथा सुनने से भगवान की भक्ति हो जाती है, इसलिए इसको धर्म समझ लीजिएगा। मठ मंदिर जाने से, तीर्थ यात्रा करने से मन को बहुत शांति मिलती है, और परमात्मा ने इस बात के ऊपर बड़ा जोर दिया है। वो कहते हैं कि जिन कर्मों के द्वारा मेरी भक्ति हो जाए, मेरी याद बनी रहे, मेरा स्मरण बना रहे, समझ लो कि वही आपके लिए सबसे बड़ा धर्म है। ये बहुत बड़ी बात कही है और मैं पहली बार आपके बीच में ये बात बोल रहा हूँ, और इस बात को मैं जिंदगी भर भूलूँगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण भागवत जी के 11वें स्कंद के 19 नंबर के अध्याय के श्लोक नंबर 27 में कहते हैं, धर्मो मद भक्ति कृत प्रोक्तो, जिस कार्य को करने से मेरी भक्ति हो जावे समझ लीजिए कि वही मेरी भक्ति है। चाहे वो गरीबों को भोजन कराने से हो रही हो, चाहे बड़ों की सेवा करने से हो रही हो, चाहे तीर्थ यात्रा करके हो रही हो, चाहे कोई दान पुण्य करके हो रही हो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिन कार्यों से मेरी भक्ति होती है उससे बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है। जो ऐसे धर्म के साथ जीवन जीते हैं, अंत में उनको लेने के लिए मैं स्वयं ही चल करके आता हूँ, ऐसा नंद नंदन यशोदानंदन माइक खोल भाई, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बोले। उन्होंने ये बड़ी अद्भुत बात कही।